हेलो एवरीवन, मैं ललित देवा एंड आई एम सर्टिफाइड क्रिकेट कोच एंड यू आर वाचिंग क्विक क्रिकेट स्किल। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था एक फास्ट बॉलर का माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए, और अपनी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एक स्पिनर का माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए। इन दोनों के माइंड सेटअप में काफी डिफरेंट है, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो मिलते जुलते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो टोटली डिफरेंट है। तो अपनी आज की वीडियो में मैं स्पिनर के माइंड सेटअप जो डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहिए और वीडियो पूरा अंत तक देखिए। देखिए, एक फास्ट बॉलर की प्रायोरिटी होती है कि वो बॉल को बहुत तेज करे विद अ गुड लाइन लेंथ, इतना तेज बॉल करे कि बैट्समैन डिस्ट्रॉय हो जाए। वैसे एक स्पिनर की मेन प्रायोरिटी होती है बॉल को टर्न कराना विद अ गुड लाइन लेंथ, जिससे बैट्समैन लीड हो और बैट्समैन आउट हो। आप जब एज ए स्पिनर बॉलिंग करने क्रीज पर आप आ रहे हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि चाहे कंडीशन कुछ भी हो, कैसा ही विकेट हो, मुझे बॉल को टर्न कराना है। हर हालत में आप चाहे रिस्ट स्पिनर है या फिंगर स्पिनर है, आपको बॉल को टर्न कराना है विद गुड लाइन लेंथ, क्योंकि स्पिनर के पास एक वेपन होता है टर्न, जिससे वो बैट्समैन को बीट कर सकता है और बैट्समैन को आउट कर सकता है। तो अब जब भी आप क्रीज पर आए बॉल डालने के लिए, तो आपका सबसे पहला माइंडसेट होता है आई विल हैव टू टर्न द बॉल विद एनी कंडीशन विद अ गुड लाइन लेंथ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक फास्ट बॉलर को हमेशा अग्रेसिव रहना चाहिए, बैट्समैन को हमेशा डरा के रखना चाहिए अपने स्पीड के साथ में, अपने बाउंस के साथ में। लेकिन स्पिनर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पिनर को बॉल को तेज नहीं कराना है, उनको बॉल टर्न कराना है। और आप बॉल को टर्न जब भी करा सकते हैं जब आप एकदम काम रखें, एकदम कूल रखें, अपने स्किल को फॉलो करते हुए बॉल के पीछे रेगुलेशन अप्लाई करें, तभी आप बॉल को टर्न करा सकते हो। तो आपको हमेशा एज ए स्पिनर हमेशा काम रहने की जरूरत है, कूल रहने की जरूरत है, जिससे आप बॉल के पीछे ज्यादा रेगुलेशन लगा सकें और बॉल को ज्यादा टर्न करा सकें, जिससे आप बैट्समैन पे थोड़ा प्रेशर बढ़ा सकें आपके टर्न के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर बॉल ज्यादा टर्न होगा तो बैट्समैन थोड़ा डरेगा कि बॉल इतना टर्न हो रहा है तो मैं स्टेप आउट करके ना मारूं या लॉफ्ट हिट खेलने ना जाऊं। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जिससे बैट्समैन प्रेशराइज होता है। तो बी काम ऑलवेज ड्यूरिंग द मैच। अगर आप स्पिनर हैं, आप ऑफ स्पिनर हैं, आप लेग स्पिनर हैं, या आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या चाइनामैन व्हाटएवर, तो आपको अपने अंदर एक बड़ा जिगरा रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि स्पिनर्स पे लंबे हिट तो लगते हैं, साथ साथ स्पिनर्स पे विकेट भी बहुत मिलते हैं। स्पिनर्स पे लॉफ्ट हिट खेलते हैं, ग्राउंड क्लियर नहीं कर पाया तो अंदर आउट हो गए, या अंदर कैच हो गए, या फिर स्टंप हो गए पीछे। तो आपने देखा होगा स्पिनर्स को अकेडमी लेवल पे, क्लब लेवल पे कोचेस जो होते हैं या अपने सीनियर्स जो होते हैं, उनको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बॉल कराओ विद अ फ्लाइट। फ्लाइट मीन्स आपको बॉल ज्यादा देर तक हवा में रखने की जरूरत है। उससे होता यह है कि जब बॉल ज्यादा देर तक हवा में रहेगा तो बैट्समैन को बॉल को पिक कर रहे हैं, बॉल को जज करने में ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। क्योंकि बैट्समैन यहाँ कंफ्यूज होता है कि बॉल हवा में ज्यादा देर है, क्या बॉल पूरा मेरे पास तक आ जाएगा या बॉल थोड़ा सा मुझे थोड़ा दूर लैंड होगा। तो इस बीच अगर वो लॉफ्टेड शॉट खेलने के लिए आते हैं तो थोड़ा रिस्क रहता है फ्लाइट हिट बॉल पर, कि शॉट जो मारा है वो सिक्स भी हो सकता है या अंदर भी रह सकता है, या बॉल टर्न हुआ तो पीछे स्टंप भी हो सकता है। तो आपको क्या कर रही हो, तो आपको एज ए स्पिनर अगर आप अपना ओवर डाल रहे हैं, आपके पहले ओवर सिक्स लग गया, तो आपको अपने सेकंड बॉल पे अपना प्लान चेंज ही कर देना है। आपको अपने सेकंड बॉल पे भी अपने आपसे बोलना है आई विल गो विद सेम काइंड ऑफ स्किल अगेन। मैंने पहला बॉल फ्लाइटेड दिया, मुझे दूसरा बॉल भी फ्लाइटेड डालना है। अगर ऐसा हुआ तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि कोई बात नहीं है, आपका पहली बॉल पे सिक्स पड़ गया, दूसरी बॉल पे आप सेम बॉल रिपीट करिए फ्लाइटेड के साथ में, क्या पता इस बार बैट्समैन मिस हो जाए। तो आपको एज ए बॉलर बहुत बड़ा जिगरा, बहुत बड़ा पेशेंसफुल, बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, अपने माइंड को स्ट्रांग करने की जरूरत है कि आप पे कितने भी रन पड़ जाए आपको अपना प्लान चेंज नहीं करना है। अपने देखा होगा अभी करंट में कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल, ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो अपनी फ्लाइट देने से कभी भी चूकते नहीं है। बैट्समैन एक छक्का मार भी देता है तो भी ये अपनी सेम बॉल रिपीट करते हैं। तो तभी तो देखो आप करंट की आज के करंट ओडीआई टीम में इंडिया में ये स्पिनर पूरे मैच को चेंज कर देते हैं। कुलदीप यादव ने ऐसे काफी मैच चेंज करे हैं जो अपने दम पर पूरे मैच चेंज कर दिए हैं। आपने एक वीडियो ऑडियो भी सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी का, उन्होंने भी पीछे बैठ के कीपिंग करते हुए बोला था कि जड्डू एक छक्का खा के देखा, हमें सुना होगा जरूर। वो छक्का खाने से मतलब क्या है कि बॉल फ्लाइटेड रखो, सिक्स किस बॉल पे जाएगा। यूजुअली एक सिंपल वे बोलते हैं कि छक्का खा के देखा मतलब बॉल फ्लाइटेड रखो। तो आपको एज ए बॉलर एज ए स्पिनर हमेशा पेशेंसफुल बॉलिंग करनी है और अपने फ्लाइट में ज्यादा कन्वर्ट नहीं करने हैं, ज्यादा डरना नहीं है, एक छक्का पड़ गया दो छक्का पड़ गया अपने गेम प्लान में चेंजिंग नहीं करना है। क्योंकि जो जिस बॉल पे सिक्स पड़ रहा है हो सकता है कि उसकी नेक्स्ट बॉल पर आपको विकेट मिल जाए। ऑब्जर्वेशन का पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। आप फास्ट बॉलर हैं, आप स्पिनर हैं, आप दोनों में से कोई भी बॉल करते हो, आपको ऑब्जर्व करने की बहुत जरूरत है। ऑब्जर्वेशन मैंने जैसे अपना प्रीवियस वीडियो बताया था आपको, कैसे बैट्समैन को ऑब्जर्व करना है, कैसे अपने आप को ऑब्जर्व करना है, कैसे अपने फील्ड सेटअप को ऑब्जर्व करना है। तो आपको बैट्समैन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। बैट्समैन कभी पहले स्टेप आउट कर दिया तो आपने बॉल खींच लिया, मतलब बॉल की लेंथ थोड़ी छोटी कर दी, या आपने देखा फील्ड सेटअप मेरा कहाँ पे, मेरा पूरा फील्ड सेटअप कैप्टन ने लिया वो ऑफ स्टंप है, तो मैं अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करूँ ऑफ स्टंप पे। तो आपको ऑब्जर्वेशन आपको खुद करना पड़ेगा
बिना ऑब्जर्व किए अगर आप बॉल डालेंगे, बिना प्लानिंग किए बॉल डालेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू।